हेलो भाइयों, निकेश जंगिड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब कोई आदमी ड्राइविंग सीखता है तो उसके साथ में एक दिक्कत आती है कि जैसे गाड़ी के जो ORM होते हैं उससे ये पता नहीं लग पाता कि जो पीछे कोई व्हीकल आ रहा है तो वो कितने डिस्टेंस पे है। यानी कि जैसे अभी पीछे देखिए आप, एक बाइक है, ORM में आपको दिख रही होगी, तो ये गाड़ी से कितने डिस्टेंस पे है। जैसे मान लीजिए अगर आप इसको साइड दे रहे हो या आपको ये नहीं पता लग पाता कि एक मेरे से कितनी दूर है, एक सेफ डिस्टेंस पे है या नहीं या ज़्यादा पास है, तो इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाए, तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या सीन रहता है और क्यों पता नहीं लग पाता अच्छे से। देखिए जैसे अभी मैं आपको ORM में दिखाना चाहूँगा, ये देखिए बाइक आ रही है, इसका कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि ये मेरी गाड़ी से कितना दूर है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। चलिए गाड़ी रोकते हैं और बाइक को भी रोकते हैं। चलिए तो गाइस अभी हम देखिए, हम यहाँ पे एक ग्राउंड में आ गए हैं और ये बाइक भी यहीं पे खड़ी है। तो अभी देखिए कि हमको लग रहा है कि बाइक बहुत ही दूर है, बहुत छोटी सी दिख रही है गाड़ी के मुकाबले, तो हम सोचते हैं कि काफ़ी डिस्टेंस हो गया अभी तो। लेकिन बाहर निकल के देखते हैं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, कितना जगह अभी बची हुई है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकल के, ये देखिए कितनी क्लोज गाड़ी की बाइक खड़ी है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यानी कि तकरीबन 10 मीटर के करीब होगी और उसमें हमको लग रहा था कि काफ़ी डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं होता। देखिए कम डिस्टेंस है, कितना कम डिस्टेंस है। तो यही कन्फ्यूजन पैदा होता है जब एक बिगिनर ड्राइवर ड्राइविंग सीखता है, उसको लगता है कि काफ़ी दूर है अभी तो, देखो कितना छोटी सी दिख रही है बाइक, लेकिन वो एक्चुअल में पास होती है। तो इसके चलते एक्सीडेंट भी हो सकता है क्योंकि आपको लग रहा है कि काफ़ी दूर है, आपने ब्रेक ले लिया एकदम से, वो ब्रेक ना ले पाए और फिर वो आपकी गाड़ी में ठोक दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताना। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको जो भी ORM में लगे, यानी कि आपको लग रहा है कि अभी तो काफ़ी जगह है, आप सोचें कि उससे थोड़ा पास है जो भी व्हीकल वगैरह जो भी आ रहे हैं वो उससे थोड़ा पास है, यानी कि आपके क्लोज है। और आप चाहे तो इसके ORM की भी हेल्प ले सकते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा देखिए आप, इसमें देखिए ORM में इसमें लग रहा है कि पास है जबकि इसमें लग रहा है कि काफ़ी दूर है, क्योंकि ये ज़्यादा वाइड दिखाता है, ये इतना वाइड नहीं दिखाता, ये जस्ट पीछे का दिखाता है। तो आप चाहो तो ORM की भी हेल्प ले सकते हो इसके लिए, इसमें आपको एक्चुअल दिखता है कि कितनी दूरी पर है। देखिए इसमें आपको बाइक थोड़ा बड़ी दिख रही है और इसमें बाइक छोटी सी दिख रही है, कितनी छोटी सी दिख रही है, देखिए ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है अभी तो। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो ये गाड़ी का मिरर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, अगर जेन्युइन है वो, उसकी बात कर रहा हूँ, अगर लोकल वगैरह आपने लगवा रखा है तो वो तो हो सकता है कि वो बिल्कुल सेम दिखाए। तो जो जेन्युइन गाड़ी में ORM आते हैं वो थोड़ा वाइड दिखाते हैं, इसके चक्कर में हमको लगता है कि वो काफ़ी दूर है अभी। जैसे अगर आप फ़ोन में जो अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है, अगर आप उससे देखिए कोई ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर दिखता है, वही सेम हाल इसमें, इसमें भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर दिखता है जबकि होता वो पास है। तो ये फंडा होता है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि आप ये सोचो कि जितना आपको इसमें दिख रहा है उससे थोड़ा पास है, अगर आपको इसमें लग रहा है कि अभी तो काफ़ी दूर है तो वो काफ़ी दूर नहीं है, वो पास ही है ज़्यादा। आप चाहो तो ORM की हेल्प ले सकते हो, इसमें अच्छे से दिख जाता है अगर दिख रहा है तो। इसमें देखिए बाइक बड़ी दिख रही है और इसमें बाइक छोटी दिख रही है, तो इसका आप यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस ये कुछ था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ मैं आपको जो समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे थोड़ा मोटिवेशन सा मिलता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो चले के आई जाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपके लिए आने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।